सब्सक्राइब कीजिए योर टेक एडवाइजर को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित है और आप देख रहे हैं योर टेक एडवाइजर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 8 के बारे में, जो कि आज ही रात को नोकिया ने यूरोप में लॉन्च कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डिवाइस इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, क्या इसकी प्राइसिंग होगी इंडिया में और क्या इसके पूरे स्पेक्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। नोकिया 8 में आपको मिलता है फुल मेटल बिल्ड, फुल मेटल बॉडी मिलती है जो कि है एल्यूमिनियम 6000 सीरीज। और आपको अगर बात करें इसके आईपी रेटिंग की, तो इसमें आपको मिलता है IP54 रेटिंग, जिसकी वजह से एक हल्का सा स्प्लैश प्रूफ फोन बन सकता है, जो कि ठीक ही बात है। लेकिन अगर स्प्लैश प्रूफ नहीं बल्कि वाटर प्रूफ होता और आईपी रेटिंग अच्छी होती तो और अच्छी बात होती। खैर, जो भी है। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलता है 5.3 इंचेस का IPS क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि 2K डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही कमाल की रखी है नोकिया ने। और अगर हम बात करें उस पर प्रोटेक्शन की, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, जो कि कॉर्निंग की तरफ से लेटेस्ट ग्लास है, जो कि काफ़ी सिक्योर और आपको मजबूत ग्लास मिलता है। तो गिरने उड़ने से कोई डर आपको अब नहीं रहने वाला है। अगर बात करें कैमरा की, तो आपको रियर में मिलता है 13 मेगापिक्सल का कलर प्लस OIS सेंसर। और यहाँ पे जो कि डुअल कैमरा सेटअप है, तो डुअल कैमरा भी आपको 13 मेगापिक्सल का है, जो कि दोनों ही कैमरा काल जीस ऑप्टिक्स के सेंसर के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे सेंसर माने जाते हैं। और अगर हम बात करें, तो इस कैमरा में आपको एक काफ़ी यूनिक फीचर देखने को मिलेगा, जो कि अब तक आज तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं था, जिसका नाम दिया गया ड्यूअल साइड मोड का। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि आप दोनों कैमरा को एक ही साथ यूज़ करके फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव वगैरह कर सकते हैं और फोटोज भी ले सकते हैं। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई जो कि हमने कभी पहले सुना ही नहीं था। और चूंकि नोकिया है, तो नोकिया से कुछ इस तरह की उम्मीदें हमें जरूर थी कि ऐसा कुछ नोकिया करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला और 78.4 डिग्री वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा, जो कि सेम काल जीस सेंसर है। और इसमें आपको मिलता है PDAF का सपोर्ट और आपको मिलता है स्क्रीन फ्लैश, यानी कि कोई अलग से फ्लैश लाइट फ्रंट में नहीं दी गई है। सेल्फी पे फोकस नहीं किया है, क्योंकि नोकिया है तो नोकिया जरूरी चीज़ों पर फोकस किया है इसने। और आपको इसमें स्क्रीन फ्लैश दी गई है, जो कि थोड़ी बहुत सेल्फी रात में खींचने में मदद कर सकती है। और अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आपको मिलता है 4GB LPDDR4X रैम, और जिसके साथ आपको मिलता है 64GB का UFS 2.1 का इंटरनल स्टोरेज। और अगर बात करें इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो हाइब्रिड स्लॉट के जरिए आप इसको 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं इसके स्टोरेज को। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको मिलता है USB Type-C पोर्ट, जो कि यूज होगा डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए। जिसकी स्पीड की बात करें, तो वो है USB 3.1, जो कि स्पीड काफ़ी अच्छी आपको डिलीवर करने वाला है। और अगर हम बात करें इसमें आप हेडफोन जैक की, तो इसमें आपको हेडफोन जैक मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक है, जिसमें कि आपको ADJ का सपोर्ट मिलता है, जो कि जिसकी वजह से आपको हेडफोन में ऑडियो काफ़ी क्लियर सुनाई देने वाली है। और अगर हम बात करें इसमें, तो 3 माइक्स का सपोर्ट दिया गया है, जिसके वजह से आप वीडियो रिकॉर्ड करते समय वो जो स्पेटियल नाम का एक नया इफेक्ट नोकिया ने इसमें ऐड किया है, जो कि पहले कभी नहीं सुना गया था, जिससे कि आपको 360 ऑडियो काफ़ी क्लियर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको मिलने वाली है। और अगर हम इसमें बात करें सिम कार्ड्स की, तो इसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं, या फिर 1 नैनो सिम कार्ड और 1 माइक्रो SD कार्ड 256 GB तक का लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके CPU की, तो इसमें आपको कैसा प्रोसेसर मिलता है, तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 835, जो कि इस अब तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है Qualcomm की तरफ से, और अभी तक जितने भी प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में, उनमें सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। तो नोकिया ने साबित कर दिया एक बार फिर से कि वो बेस्ट बनने के लिए तैयार है। तो अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी कैपेसिटी की, तो आपको मिलती है इसमें 3090mAh की बैटरी, जो कि थोड़ी सी मेरे हिसाब से कम 4000mAh बैटरी होनी चाहिए। तो फिर भी स्टॉक एंड्रॉयड है, तो वहाँ पे बैटरी कंजप्शन काफ़ी कम होने वाला है, तो देखते हैं इसको फोन के आने के बाद। तो यहाँ पे वो बैटरी आपको नॉन रिमूवेबल है, और क्विक चार्ज 3.0 का आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे काफ़ी जल्दी वो चार्ज हो जाएगी।
अगर बात करें सॉफ्टवेयर की फोन के तो इसमें आपको मिलती है एंड्रॉयड 7.1.2 गट और वो भी स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, यानी कि प्योर आपको एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलने वाला है। और नोकिया यहाँ पे क्विक अपडेट्स देने की प्रॉमिस भी कर रहा है, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जो कि अच्छी बात होने वाली है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, जो कि मेन पॉइंट इस डिवाइस का बन जाता है, तो इसमें आपको मिलता है यूरोप में अभी लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइसिंग यूरोज में निकल के आ रही है 599 यूरोज, जो कि होती है लगभग लगभग 45,308 रुपये के आसपास। तो अगर ये फ्रेंड्स इंडिया में डिवाइस आएगा तो इतनी ज़्यादा प्राइस में नहीं आएगा, फिर भी 40,000 से कम की प्राइस में नहीं आएगा, यानी कि 40,000 से 42,000 के आसपास आप इसकी प्राइस इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी प्राइसिंग रखी गई है और ये काफ़ी बेहतरीन डिवाइस साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च की, तो इंडिया में ये अभी इतना जल्दी नहीं आने वाला है, ये लोग स्टॉक इनके पास कमी है, इसलिए अभी सिर्फ यूरोप में लॉन्च किया गया है और इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर तक ये डिवाइस आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी तरफ से आपके लिए कुछ जानकारी नोकिया 8 के बारे में। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या फिर जो भी इंटरेस्टेड हो नोकिया 8 डिवाइस के बारे में जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ बाय बाय और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।